नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नैरो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। दोस्तों, नैरो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी है ये आज हम आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमने जो कपड़ा लिया है ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। नैरो सलवार के लिए हमें 2 या 2.25 मीटर कपड़ा हमारा काफ़ी होता है, ज़्यादा कपड़े की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। तो इस कपड़े को हम किस तरह से तय लगाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नाप जो है इसका क्या है। सलवार का जो हमारा नाप है 35.5 इंच हमारी लंबाई है, मोरी का जो नाप है 6 इंच है और बेल्ट हमारी 22 इंच है। तो ये हो गया हमारा नाप। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से 2 मीटर जो हमारा कपड़ा है इस तरह से, ये कन्नी मेरी तरफ है, इसको इस तरह से डबल कर लेना है और इस तरह से मिला लेना है। और जो बंद वाली साइड है ये वाली अपनी तरफ आपने रखनी है इस तरह से। ये कन्नी वाली जो साइड है आपने इसको डबल किया है, दूसरी साइड में रखें, अपने पास ये बंद वाली साइड अपनी तरफ रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई हमारी 35.5 इंच है तो हमें क्या करना है, 4.5 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को इस तरह से बढ़ाएंगे और हमारी लंबाई जो है 35.5 इंच उसका निशान हम इधर लगाएंगे। 35.5 इंच का हमें ये निशान लगाना है, जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई हो 4.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ये हम जब बेल्ट लगाएंगे उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो निशान है हमें सीधा लगा लेना है। तो चलिए मैं इसको सीधा निशान लगा लेता हूँ इस तरह से, ये लंबाई का निशान सीधा लगा ले। तो ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो सलवार की मोरी है वो 6 इंच है, आपको क्या करना है 5 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच कम करके निशान लगाना है। जितनी भी आपकी मोरी हो 7 हो 6 पे लगाएंगे, 8 हो 7 पे लगाएंगे, 1 इंच कम लगाना है। तो हमारी जो सलवार की मोरी है वो 6 इंच है तो ये निशान मैं 5 इंच पे लगा रहा हूँ। तो इस निशान को लगाने के बाद आप स्केल से इस निशान को सीधा मिला दें। इस तरह से ये हमारी कलियाँ हो गई हैं, जो हमारे गोड्डे होते हैं वो हमारे हैं ये। उसके बाद आपको क्या करना है, इस निशान से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ले लिया है। आसन वही सेम लेंगे, 10 इंच हमारा आसन है, आसन लेंगे 10 इंच। एक ही तय में हमें ये बनानी होती है, इसके लिए ज़्यादा कपड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इस निशान को आसन के निशान से सीधा मिला देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको कटिंग कर देना है। यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे, इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। तो इसको कटिंग करने के बाद ये जो हमने निशान लगाया था चारों पल्लों पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से चारों पल्लों पे हमने कट लगा लिए हैं। अब इसका काम हमारा ख़त्म हो गया है, इसको साइड में रखेंगे। अब हमने कटिंग करनी है बेल्ट। बेल्ट की जो चौड़ाई हमें कटिंग करनी है 8 इंच की कटिंग करनी है। इस तरह से 8 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई का इस तरह से। 22 इंच हमारी बेल्ट है, 23 इंच कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई है, इसको कट कर देंगे।
तो दोस्तों ये हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है ये हम पोंचे बनाएंगे, उसमें हमारा काम आ जाएगा। अब दोस्तों इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है, मशीन पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने निशान लगाया था जो कलियों का, ये हमने कुटके भी लगाए थे इसमें। तो इस तरह से हम इस सलवार को खोल लेंगे इस तरह से, और इसमें जो है ये जो गोड्डे होते हैं ये कटिंग नहीं करने होते हैं, इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ना है दोनों साइड से इस तरह से, और इस पर इस तरह से नाखून लगा लेना है। नाखून मारने के बाद, क्रीज बिठाने के बाद इस तरह से एक पैर का मार्जिन लें और इस पर सिलाई मार दें। तो दोस्तों मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ भी सेम सिलाई इसी तरह से लगाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे दोनों तरफ से और इसकी क्रीज बिठाएंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो दूसरी तरफ भी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा गोडा हो गया और ये हमारी कलियां बन गई हैं इसमें बिना कटिंग करे। तो इसके बाद क्या करना, मैं दूसरा पेज जो हमारा सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमारा ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारी कलियां हो गई हैं, ये हमारा बीच में गोडा हो गया, इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे वाला पल्ला जो हमने सेम तैयार किया है उसको आपने उठाना है और आपस में इस तरह से जोड़ देना है। ये हमारे आसन की सिलाई है, इस पे दोनों साइड में हम लगा देंगे सिलाई। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों सिलाई आसन की लगा ली है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल देंगे और ये हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। ऊपर 1.5 इंच कपड़ा हमें छोड़ देना है और सिलाई लगा देनी है। बैक साइड में भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बेल्ट पे मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है, यहाँ से पकड़ना है कोने से ऐसे, और ये सिलाई हम लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से बनाने के बाद हमें ये फोल्ड करना है इस तरह से, नेफा बनाएंगे हम इसमें इस तरह से। 2 इंच का मार्जिन होता है ये, 2 इंच इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो हमने बेल्ट को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें निशान किस तरीके से लगाने हैं इसमें, इसमें हम चुन्नट डालेंगे। जो चुन्नट हम इसके डालेंगे इस तरह से, 6 इंच में चुन्नट डालेंगे, 5.5 या 6 में आप इसके चुन्नट डालने हैं, आपको ज़्यादा में नहीं डालने हैं। तो 6 इंच का ये मैंने निशान लगा लिया है, ये हमारी नाड़ा डालने का नेफा है यहाँ पर, और यहाँ से हमने इसको 6 इंच लिया है। यहाँ पे हमें कुटका लगाना है एक, इस तरह से कट लगा ले आगे की तरफ। उसके बाद आपको इस तरह से सलवार उठानी है, ये हमारा आसन हो गया है बैक साइड में देखिए, और इस तरह से आपको रखना है इसको आगे बढ़ा के, तकरीबन आपको ये 2 इंच बढ़ा लेना है इस तरह से, क्योंकि हमारे हम जो बैक में बॉक्स प्लेट डालेंगे इसमें सलवार में
इसलिए बैक का जो प्लेट होता है उसका ये मार्जिन है। इस तरह से आपको सिंपल इस तरह से रखना है और यहाँ पे सीधा आके जहाँ पे ये हमने 6 इंच का निशान लगाया था उसके बराबर यहाँ पे आपने कट लगा देना है। इस तरह से देखिए ये बेल्ट का बैक है, 2 इंच बढ़ाएंगे सिलाई से, यहाँ पे कट लगा देंगे, उसके बाद 6 इंच पे जहाँ पे हमने चुन्नट डालने हैं वहाँ तक आएंगे, इस पर कट लगा लेंगे। ये एरिया हमारा बैक का हो गया इतना। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का एरिया बचा है उसमें हम प्लेट डालेंगे, इसमें बारीक प्लेट डालेंगे, ज़्यादा मोटे प्लेट नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि इसका जो घेर होता है पूरा घेर होता है, इसलिए इसमें हम प्लेट डालेंगे बिल्कुल बारीक, आधा इंच का गैप होगा बस प्लेट में और आधा इंच का ही प्लेट होगा बस, इससे ज़्यादा प्लेट नहीं होगा इसमें। तो दोस्तों बेल्ट हमें कैसे लगानी है ये देख लीजिए। ये हमारा जो है फ्रंट साइड है, इसको नीचे की तरफ रखेंगे, ये हम फ्रंट साइड को नीचे की तरफ रखेंगे बेल्ट का। ये हमारा बैक हो गया यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे इस तरह से ये जो हमने बॉक्स प्लेट के लिए लिया था जो हमारा बैक में प्लेट डलेगा, इस तरह से इसको यहाँ पे मिलाएंगे कट को इस सेंटर से, और यहाँ पे हम आगे आएंगे जहाँ पे हमने ये कट लगा रखा था, यहाँ तक आएंगे इस कट तक, इससे आगे हमारे यहाँ पे चुन्नट डलेंगे। तो यहाँ से हम ये शुरू कर देना, पहले हम बैक कंप्लीट करेंगे इसकी, इस तरीके से इसको रखें। तो जब आप सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आ जाएं बैक में, तो इस तरीके से आपको प्लेट उठाना है। देखिए इस तरीके से ये जो सिलाई आपको सेंटर में ले लेनी है, इस तरीके से बॉक्स प्लेट डाल देंगे, दूसरे वाला भी हमें इस तरीके से सेंटर में ले जाना है, ऐसे अंदर की तरफ हम इन प्लेट का मुंह रखेंगे, इस तरह से सिलाई मार देनी है। तो देखिए अब ये हमारा बच गया फ्रंट का एरिया, 6.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था हम उस निशान पे घूम के आ गए हैं। अब इस एरिया में हमें चुन्नट डालने हैं। तो कपड़ा हमारे पास सिर्फ ये आसन की सिलाई, हम इससे मिलाएंगे सेंटर से, सिर्फ ये है, तो इसलिए हम इसमें चुन्नट जो डालेंगे बिल्कुल बारीक चुन्नट डालेंगे, ज़्यादा मोटा चुन्नट इसमें हमें नहीं डालना है, क्योंकि कपड़ा पूरा हमारे पास। इस तरह से उठाएंगे चुन्नट को, इस तरह से डालेंगे चुन्नट, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसमें चुन्नट डाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट आए हैं हमारे इसमें। एक बार सीधा करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से हमारे इसमें चुन्नट हमने इसमें डाल दिए हैं, आधा इंच का हमारा ये चुन्नट है, ज़्यादा नहीं है, आधा या 1.25 इंच का जितना भी आपका चुन्नट आए उतना आपने इसमें डाल देना है। और ये बैक में हमने ये बॉक्स प्लेट बनाया है, ये बैक में जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था बढ़ा के उसका हमने ये बॉक्स प्लेट डाल दिया। तो अब हम इस नैरो सलवार के पोंचे बनाएंगे। तो दोस्तों पोंचे बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है और ये हमारी स्पंज है, इस तरह से इसको रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन हमें इधर रखना है और यहाँ पे रख के इस पर सिलाई लगा देंगे।
दूसरी साइड का पोंछा रखेंगे इस साइड से। तो इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और ये जो सिलाई हमने लगाई थी उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई मारने के बाद एक्स्ट्रा जो मार्जिन है हमारा इसको हम काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे सेंटर में। इस तरह से इसमें भी एक सेंटर में कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद ये जो हमने कट लगाया है इस कट से इस कट को इस तरह से मिला देंगे। आपका जो सलवार का पोंछा बिल्कुल सेंटर में लगेगा, इधर उधर नहीं जाएगा इससे। अब आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। उसके बाद आपको इस तरह से इसको सीधा करना है और एक पैर की सिलाई लगानी है। दोस्तों ये पैर की सिलाई लगाने के बाद अब हमें इधर सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारी। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारी ये स्पंज अटैच हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको अपनी पसंद का पोंछा बनाना है, डिजाइन बनाना है, वो आप बना लें। डिजाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है ये मैं उसके बाद बताऊंगा, पहले मैं इसको पोंछे को बना लेता हूँ। तो दोस्तों पोंछा हमने बना लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सिलाई मारने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हमारे गोडे हैं इसको इस तरह से मिला लेना है इस सिलाई को। ये सिलाई हमारी आगे पीछे ना हो, दोनों साइड की सिलाई आपस में बिल्कुल आपस में मिले। इस तरह से मिला के इस सिलाई को जितना भी हमारा बॉटम है उतना नाप के ये सिलाई सिंपल लगा देंगे। तो चलिए मैं ये सिलाई लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सलवार कैसी बनी है। तो दोस्तों ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी सलवार बनी है, इसको एक बार मैं सीधा करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमारी ये सलवार बनकर तैयार हुई है। इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल सलवार बनेगी ये। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।